करवाए, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से करवाऊंगी। लेकिन एक टाइम में एक जीव आएगा और एक अजीव आएगा, जिससे आपको प्लेनेट पकड़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है सर? क्योंकि हम जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं उसमें कई लोगों को हुआ है कि हमें पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा। जिनको पकड़ में नहीं आ रहा उन लोगों के लिए सर ये सन है, ठीक है सर? ये मरकरी है। मैं डिग्री नहीं ले रही, मैं कुछ नहीं ले रही, आप ये समझ लीजिए कंजंक्शन है प्लेनेट की आपके चार्ट में, जैसे भी है। सन कौन है सर? आप ही लोग मुझे बोलिए सन कौन है। फादर सन गवर्नमेंट। अभी सेल्फ के रूप, जीव के रूप में, जीव निर्जीव पता है सब लोगों को ना मैम, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग। एक टाइम में जब मैं इसकी बात करूंगी तो इसके साथ जब मुकाबला होगा नॉन लिविंग थिंग का आएगी, ठीक है? मैं मोर गया है, मेरा फेम है, गवर्नमेंट है, और क्या फेमस है, फॉरेन लॉ है। चलो ठीक है, पिता हो गया, पिता वही दूसरे बार वो भी पिता भी हो गया सर। आपका ईगो भी है, ईगो भी है। मरकरी क्या है मैम आपका? इंटेलिजेंस है, बिजनेस। बिजनेस हो गया मैम आपका, और क्या चीज? जो भी देखो कारक तत्व है वो आपके पास होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, बिल्कुल मैम। एडुकेशन हो गया, लर्निंग हो गया, बिजनेस, ट्रेडिंग, कमीशन, पता ही है ना, पता ही है ना सर? हाँ जी, पता ही है ना। इसके बारे में कुछ बताना है क्या होगा? ये पिता या कुछ इंटेलिजेंट होंगे, किसी ना किसी बिजनेस से जुड़े हुए होंगे, एजुकेटेड, बिजनेस एजुकेटेड होंगे। ये आपके पड़ोसी भी है, ठीक है मैम, ये आपके रिलेटिव भी है, ठीक है, इनकी अच्छी बनती होगी इनके साथ मैम, इसके इससे मैचिंग करते रहो। क्लियर हो रही है सर चीजें? आप देखते चलना जी मैम, इनको नहीं समझ में आ रहा। आनंद सर देखते चलना, महावीर सर देखते चलना, राजीव सर जहाँ आप लोगों को पकड़ में नहीं आ रही ना ये चीजें, इस वजह से आप लोग देखते चलना। पिता और पुत्र इंटेलिजेंट होंगे जी मैम, हो सकता है किसी ना किसी बिजनेस में होंगे, हो सकता है कोई ट्रेडिंग का बिजनेस में हो जी, जो भी। अब ये इसका गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड होगा या बॉयफ्रेंड होगा, इकोस्टिक होगा जी। पड़ोसी किसी गवर्नमेंट से संबंधित हो सकते हैं। अभी क्लियर हो रही है सर चीजें थोड़ी थोड़ी? बिल्कुल सर, लिविंग और नॉन लिविंग मतलब क्लियर हो रही है सर चीजें अब? जी मैम, बहुत ठीक है, क्योंकि पहले यही क्वेश्चन आ रहा था कि क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है जी। इसको हटा दिया सर, अब इसके साथ ही सर मैंने बिठा दिया इसको सेल्फ। ये मैं हो गई, मेरे में क्या क्या क्वालिटी होंगी सर? ईगो होगा, स्टेटस होगा, एक स्टेटस होगा, एक ईगो होगा मेरे अंदर, रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ये चीज हो सकता है। अब सर पिता में क्या क्या क्वालिटी होंगी जो जुपिटर के अंदर होंगी? फादर रिलीजियस होगा, गॉड ब्लेस, सेम इसी तरीके से चीजें पकड़ती जानी है आप लोग ने जी, ठीक है सेम इसी तरीके से। अब बताओ कहाँ पर इश्यू आएगा सर? अब चीज चेंज कर देती हूँ सर, यहाँ पर बस इस चीज को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर को यहाँ पर लिया है सर, ठीक है सर। ये सन है, ये राहु है, राहु आपके दादाजी हैं जी। क्या होगा दादाजी में सर? सन में क्या था? स्टेटस होगा, फेमस होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हो उनका, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, इगोइस्टिक इगोइस्टिक बिल्कुल हो सकते हैं, डोमिनेटिंग नेचर बिल्कुल। अब सर लेकिन हम इसको फादर इन लॉ कब बोलेंगे? साथ ही साथ बोलते चलो, क्वेश्चन फादर इन लॉ का आएगा तो फादर इन लॉ को पकड़ लेंगे, सन हो जाएगा बस। जिसके बारे में भी बात करते चलो, फादर इन लॉ के बारे में बोल लो, बेटे के बारे में बोल लो, पिता के बारे में बोल लो, बात करते चलो। लो सर सन मून राहु, थोड़ा सा बेटे के बारे में बोलिए। तो बेगा बेटा क्लिकिंग माइंड होगा, बिल्कुल थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, इमोशनल भी होगा, इमोशनल भी होगा,
ब्लेम भी लगेगा उस पे, ब्लेम भी लगेगा, ब्लेम छोटा लगेगा बड़ा, बड़ा लगेगा बड़ा लगेगा बड़ा, ठीक है सम चीटिंग, ये बेटे के साथ भी चीटिंग होगी, चीटिंग कौन करेगा, वाइफ, वाइफ करेगी, वाइफ चीटिंग कौन करेगा, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पड़ोसी, बिल्कुल ठीक है, पड़ोसी, रिलेटिव, जी जी, अब क्लियर हो रही है, अब भी चीजें क्लियर सर, बिजनेस में भी चीटिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, और लेडीज पर की वजह से भी चीटिंग हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से, बिल्कुल हो सकती है, धीरेश सर आपने बोला चीटिंग हो सकती है बिजनेस की वजह से, एक मिनट सर, बिजनेस की वजह से चीटिंग हो सकती है, ये सर बिजनेस है, ये चीटिंग है सर, कौन करेगा बिजनेस में चीटिंग, फैमिली वाले, बिल्कुल, ओके ठीक है सर, बोलो सर, मैम यहाँ पर सिर्फ राहु को निगेटिव वे में हम लोग ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव वे में क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में क्या, व्यक्ति फॉरेन में है, फॉरेन ही हो गया ना, फॉरेन में है, क्या सोचे बड़ी, इसकी अच्छी बड़ी सोच है क्या, बड़ा सोचता होगा, बड़ा सोचता है क्या, ब्रॉड माइंडेड, बिल्कुल एम्बिशियस है व्यक्ति, काफी एम्बिशियस, ठीक है सर, मैम वेल्थ पैसा भी बहुत होगा, पैसा होगा ना, पैसा भी देता है, बिल्कुल, और बहुत बड़ा देता है, ठीक है, लेकिन ये मेरे विदेशी कंपनी बड़ा देता है, काम भी बड़ा देता है, क्या बोल रहे हैं, फौरन जाकर काम कर, या अपने कल्चर सेट के, कुछ भी काम के लिए बड़ा सोचो, लेकिन यही बड़ा सोचना भी है, यही डरना भी है, राहु का नेगेटिव रूप भी है, राहु का पॉजिटिव रूप भी है, आपने कौन सा अपनाना है आपके ऊपर, आप डर रहे हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन सर आप ही बोल के दीजिए, जिसको मुश्किल हो रही है ना मुझे एक कॉम्बिनेशन पकड़ कर दीजिए जल्दी, राहु मार्स, एक और डाल दो प्लेनेट सर, बड़ी प्रॉपर्टी, छोटे भाई की बड़ी सोच, प्रॉपर्टी छोड़ दो पूनम, मैं बोल दो लैंड, लैंड है ना, हस्बैंड एक्सीडेंट, हस्बैंड बिल्कुल, बड़ा एक्सीडेंट, मैम किसके साथ होगा जब बड़ा एक्सीडेंट होगा, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड, रिलेटिव, पड़ोसी के साथ, किसके साथ होगा जब एक्सीडेंट होगा, वाइफ, वाइफ के साथ, किसके साथ होगा जब एक्सीडेंट होगा, ये पूरी फैमिली, फैमिली, पिता पुत्र, क्या बचाव हो जाएगा, कोई भी नहीं है, अगर ये आ गया बचाव हो जाएगा मैम, हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, अभी कुछ कुछ चीजें क्लियर होती जा रही है सर, जी मैम, नहीं इम्प्रूव हो रहा है ना, इसीलिए कुछ नहीं, थोड़ी सी देर यही प्रैक्टिस, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, भागना नहीं है सर, कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ कोई पे छूट जाएगी गाड़ी पकड़नी है हमें, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सर बैक के बारे में जानते चलते हैं, नाना कैसे रहे होंगे, कैसे राम नाना जी कैसे रहे होंगे सर, बोलिए थोड़ा सा, बिजनेस होगा काफी, पैसा भी होगा, फ्लिकरिंग माइंड तो है, बिल्कुल ठीक है, चलते चलो, फ्लिकरिंग माइंड होंगे, हो सकता है होंगे, अब मैम पहले के टाइम में इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन इंटेलिजेंट होंगे, पैसा ज्यादा ऐसा भी होगा ना सर, देखो ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, अच्छी होगी चीजें, जहाँ पर आपको पकड़ में चीज नहीं आएगी ना वही पर टोक देना, क्योंकि सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सॉफ्टली बोलते होंगे, मैम नाम होगा, हाँ जी नाम होगा, गवर्नमेंट कनेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, अब तो सारे अगर नो के नो प्लैनेट भी बिठा दो तब भी प्रेडिक्शन हो जाएगी, दबदबा काफी होगा ना, मंगल और सूर्य हो गए, दबदबा हो गया, हो ही गया पूनम मैम, मैम एक लेना जुपिटर मरकरी मार्स सन राहु,
सन इसी के साथ में, इसी के साथ में किसके बारे में बात करनी है ये बताओ। जीव के बारे में। कोई नहीं बोलेगा, जिसने सवाल किया वही जवाब देगा। पहले जीव इंटेलिजेंट होगा, एक्सीडेंट हो सकता है बड़ा। रुक जाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। चलो मैम, यही मैं चाह रहा था मैम, ये वाला सर। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर भी हो सकता है मैम, ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। बोल सकते हो, आगे बढ़ते चलो। पहले मैं इंटेलिजेंट हूं। बोलो दिनेश सर, बोलो राजीव सर, बोलो। चुप नहीं बैठना आशिमा मैम, बोलो। चुप नहीं बैठना आप लोगों ने, जो भी दिमाग में आ रहा है आपको कारक तत्व आते हैं। हां जी, जो भी दिमाग, लार्ज स्केल पे काम करना चाहता हूं मैम, कोई भी काम लार्ज स्केल चाह रहा है। जीत चाह रहा है मैम, जीत चाह रहा है मैं फौरन चला जाऊं। हां जी, जा सकता है मैम, जाएगा, जा सकता है। हम लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, इसको फौरन भेज दे दो जी सर। अगर मून जुड़ जाए तो 100% हो जाएगा, हो सकता है कहीं से ट्रांजिट में आ जाए मैम। लेकिन अगर जीव, मैम गया भी है, जीव अगर फौरन जाएगा तो बढ़िया रहेगा। जीव का नाम होगा, हां जी इकोस्टिक होगा जीव। हां जी, एक्सीडेंट का योग है, बिल्कुल ठीक है। आगे प्रेडिक्शन, फैमिली बहुत बड़ी होगी मैम इसकी, बिल्कुल होगी। इसके रिलेटिव वगैरह से काफी, चलो लंबी चौड़ी फैमिली लगा सकते दोनों साइड। चलो मैम, हाँ जी हाँ जी, पिता पिता के बारे में कुछ प्रेडिक्शन कर दीजिए। पिता टीचर हो गए, टीचिंग लाइन में होंगे, पब्लिक फिगर हो सकते हैं पिता, ठीक है, इंटेलिजेंट और बोलने में काफी हार्श भी होंगे, लैंड भी होगा, लैंड भी होगा, बिल्कुल ठीक है, कमर्शियल लैंड, कमर्शियल लैंड। मैम ये ट्रेडिंग कर सकते हैं सन मैम, आप नदीप मैम आपने ही बोला मेरे लिखे पर बच्चा है। हां सन मैम, सन है, हां जी मैं बिजनेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लैंड से संबंधित, क्या लैंड से संबंधित बिजनेस हो सकता है? कर सकते हैं, हो सकता है। लैंड क्यों ले रही हूँ सर, हम क्या उठा रहे हैं? कारक तत्व, पूरी प्रिडिक्शन कारक तत्व। नवदीप मैम आपका ही चार्ट है, गलत जा रहा है सही जा रहा है, आप ही क्लियर कर दीजिए। सही जा रहा है मैम, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन मैम एक चीज पूछनी थी, ये जैसे जुपिटर और मार्स है एक्सीडेंट दिखा रखा है, ये कब होगा, किस टाइम होगा? अभी रुक जाओ। अच्छा ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी मेन बात है मैम, प्रिडिक्शन करनी आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी समझ में आ रही है। अब मैम लेडीज चार्ट था, जेंट्स चार्ट था, लेडीज चार्ट था मैम, लेडीज चार्ट था। अब जरा इनके हस्बैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। मंगल, जुपिटर, सन, नहीं हाँ सन, बात करी, बताइए इनके हस्बैंड के बारे में कुछ। हाँ जी, काफी फैशनेबल होंगे, राहु भी है ना साथ जुड़ा, राहु भी है, राहु ठीक है मैम, इंटेलिजेंट होंगे, बिल्कुल इंटेलिजेंट होंगे, फेमस होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, और लोग हाँ सलाह लेने आते होंगे, फादर के साथ मिलके बिजनेस करते होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं अगर करते होंगे तो। मैं बहुत एक्टिवली, जैसे राहु है तो राहु के अकॉर्डिंग जैसे बिजनेस करते होंगे, बिल्कुल हो सकता है। कोई ऑनलाइन चीजों के संबंधित कोई काम कर लेते हो, ऑनलाइन जुड़कर कुछ करते हो, बिजनेस में बड़ा काम होगा ना, पॉलिटिक्स के रिलेशन रिलेटेड कुछ हो सकता है। जब पॉलिटिक्स थोड़ा आएगा ना मैम, ये दोनों कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, पॉलिटिक्स सन राहु दोनों आएगा, राहु उसको बढ़ावा करेगा। लेकिन कुंडली वालों को ना इसपे बोलना चाहिए, तभी हमारा प्रेडिक्शन का कोई मतलब है, वरना बिल्कुल हम बोल रहे हैं, आप बोलते रहो, कोई फायदा नहीं। नहीं सर ठीक बोल रहे हैं सब, तो मैम आप हाँ ना तो बोलिए ना, पता नहीं आप हाँ या बिल्कुल, जिसका जो भी सवाल करेगा हाँ या ना का जवाब देगा। आशिमा मैम अपना क्वेश्चन करिए। मैम जैसे अभी आपने पूछा कि इनके हस्बैंड के बारे में बता रही है ना, आशिमा मैम थोड़ा सा या तो आवाज बढ़ाइए, आज ना आपके यहाँ से आवाज बहुत कम है आशिमा मैम। मैम अब आ रही है मैम, आवाज जब भी आ रही है मैम। जैसे अभी आपने पूछा कि इनके हस्बैंड के बारे में बताएं,
तो मैम आपने मंगल तो वैसे बिल्कुल एंड में है, तो आपने सारे प्लैनेट्स जुपिटर मरकरी सन राहु लिख दिए, पर मैम मार्स तो इन सबको क्रॉस करके आया है तो मैम नहीं, ये तो मैंने सिर्फ प्लैनेट लिए, मैंने तो डिग्री देखी ही नहीं है। अच्छा मैंने डिग्री नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। अगर ये ट्राइन में सारे इकट्ठे है ना तो ये चीजें तो मिल गई बंदे को। फिर तो मिल गई चीजें बंदे को मैम, ये तो उसके बारे में ट्राइन कैसा काम करेगा, कंजंक्शन का ही काम करेगा। 159 में बैठे हैं सारे, बस ये सारा कंजंक्शन का काम करेगा। अब कोई भी चीज बोलेगा उसका चार्ट होगा, सब लोग बोलेंगे वो हाँ या ना का जवाब देगा। चार्ट बोल दो। ये मैम एक इसी में पूछ लेते हैं, जो इनके हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में? हाँ जी ठीक है। पॉलिटिशियन तो नहीं है? नहीं नहीं। गवर्नमेंट जॉब में क्या करते हैं मैम? फाइनेंस में है। फाइनेंस में तो मैम मरकरी से ही है वो, देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, सही बोल रहे हो सर, ट्रेडिंग वगैरह वहीं से आएगा, क्योंकि कॉमर्स का कारक आपका मरकरी भी है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो मैम ये सीए के लिए क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे हम इसमें? सर अभी नहीं पता मुझे क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे। अच्छा वो बाद में आएगा, आगे की बात है। अभी सिर्फ आप लोगों को, कई लोगों को ये जाना होता है मैडम चार्ट देखते ही कैसे बता देते हैं सब लोग, ऐसे बता देते हैं सर सब लोग। ठीक है, ट्रैवलिंग का वो है, कल्चर चेंज है राहु। नवदीप मैम ने चार्ट दिया था, अब नवदीप मैम प्रेडिक्शन कर रही है। ये मैडम बाहर से सेटल हो गए होंगे ना, कहीं और होते होंगे बाहर, नहीं जगह सेटल हुए। अच्छा मैम एक चीज पूछ सकते हैं मैम, दिल्ली के हैं, बिहार रह रहे हैं, पटना। ठीक है हो गया ना, कोई बात नहीं, हो गई चेंज बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल ही चेंज हो गया। हां जी आनंद सर आप पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं भूल गया मैम, फिर याद आएगा। तुम आवाज बोल दिया, आप भूल गए? नहीं, स्पीड बहुत तेज हो रही है, लिखने का टाइम कहाँ मिल रहा? रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग आपके पास है? जी मैम, जी मैम, इसीलिए रिकॉर्डिंग पर अब ज्यादा ध्यान, अभी फिलहाल वो तो रिकॉर्डिंग तो आपको पता है सर मिलनी है, अभी जो ध्यान देना है ना, जो भी कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं आप लोग, प्रिडिक्शन करो बस, उस पर ध्यान दो बस, प्रिडिक्शन पर। जी मैम, जी मैम। प्रिडिक्शन बहुत इजीली आएगी इसके अंदर, आपको 2-6-11 नहीं देखना, आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। रेमेडी कैसे होगी वो आगे बताऊंगी, सब चीज आएगी, मेन बात प्रिडिक्शन करो। जी मैम ठीक है, मेन जोर प्रिडिक्शन पर है। कोई भी चार्ट बोल दो। मैं बोलूंगा बिल्कुल, चार्ट भी बोलो, जो भी सब आप सब लोग आपसे प्रश्न करेंगे आपका जवाब देंगे, आपने हाँ या ना में भी जवाब देना। ठीक है सर? वो तो छोटा छोटा बच्चा कह रहा है मुझे, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा क्या, बच्चे का कैसे बताऊंगा सर, वो तो आपको ही बताना पड़ेगा। हाँ, है ना, अभी छोटा है, दूसरा किसी मैं एक चीज मैं और सोच रहा था, जो जुपिटर के 6 राउंड है उसके अनुसार हमको सेगमेंट में ही ये प्रेडिक्शन भी करना चाहिए, अच्छा रहेगा। जुपिटर पहुंच गए हैं अभी, अभी तो बहुत आगे हैं हम लोग, बहुत आगे। अच्छा वो दूर है अभी सर, रुको ना, अभी थोड़ा प्रिडिक्शन करनी तो सीख लो। नहीं मैं कुछ मैं तो कल से प्रोग्रेशन करवा दूंगी। नहीं मैं वो नहीं कर रहा, नहीं 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 मैं आराम से, मैं वो नहीं कर रहा, मैं ये महावीर भाई चार्ट दो, चार्ट दो सर, जिम्मी सर आप अपना चार्ट दो, आगे प्रोग्रेशन पे सेम वही वाला हाल हो रहा है सर। मैम वही बात बिल्कुल मैम, उसका भी जिम्मी का भी यही हो रहा था कि प्रोग्रेशन कब आएगा, प्रोग्रेशन कब आएगा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं वो बच्चे के हिसाब से, फिर एंगेज ऐसे करके, वो कह रहा था ना। हाँ सर बच्चे के हिसाब में भी वो चीजें आएंगी, मैं किस लिए कह रही हूँ यहाँ पर, किसकी प्रेडिक्शन के लिए, जिसके साथ चीजें हो गई है ना वो बंदा हाँ या ना भी बोलेगा और आपको पता लगेगा हम कितना सही है कितना गलत है। ठीक है ना सर, और सर आप लोगों के यहाँ पर तो फिर भी एडवांस में हो गया, पूनम मैम वहाँ तो बहुत ही ज्यादा बेसिक था। ठीक है, नहीं हमको बेसिक की ज्यादा जरूरत है सर, बेसिक में इसी वजह से आज आप लोगों को ये चीज ले रही हूँ, नहीं तो मैंने तो किसी और चैप्टर पर बढ़ना था, क्योंकि मेरे पास 2-3 के आ गए फोन कि भाई थोड़ा सा ये चीज पकड़ने में इशू आ रहा है, तो मुझे पहले ये चीज पकड़वानी है। जी मैम जी ठीक है, चार्ट नोट कर लीजिए मैम। हाँ सर मुझे चार्ट नहीं नोट करना, मुझे प्लैनेट नोट करवाओ अपने कंजंक्शन की। ये जीव के हिसाब से करना?
जिसके भी हिसाब से आप चाहे उसके हिसाब से करना है। 1 5 9 2 6 10 से बोलिए ना। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 और मार्स राहु बड़ा एक्सीडेंट और 2 6 में कुछ नहीं है। 3 7 में मैम सूर्य विनस केतु। 1 5 में बोला है ये शायद नहीं एक के पास मैम चार्ट नोट ही कर लो हम लोग निकाल लेंगे। हाँ बोलो आप किस हाउस में है मार्स जी। फर्स्ट हाउस में मार्स और 9th हाउस में राहु। 9th ठीक है सर। हाँ फिर वो सेकंड में कुछ नहीं है। 3rd हाउस में सूर्य वीनस और केतु। हाँ जी। और 12th हाउस में है जुपिटर मून एंड मरकरी का वो है। मरकरी 4th में है। मरकरी 4th हाउस में। ठीक है सर हो गए प्लेनेट जी। एक सैटर्न सैटर्न और होगा कुछ नहीं सर। सैटर्न कहाँ पर है? और 7th में लगा लिया। 7th में नहीं वो सॉरी 8th रात में। अब मुझे जीव के बारे में कुछ जानना है। सबसे पहली बात तो जीव के बारे में मैम मुझे कुछ जानना है तो मुझे कौन सा टाइम लेना पड़ेगा? जीव 12वें में बैठा है तो 4 8 12 का टाइम बन जाएगा मेरा। मैं अभी डिग्री नहीं आशिमा मैम आपके वाली बात लेती हूँ। मैं डिग्री नहीं लूंगी यहाँ पे। मैं सिर्फ इस तरीके से लूंगी तो मेरा बनेगा जुपिटर मून मरकरी सैटर्न। ये है सामने वाले का कॉम्बिनेशन। ठीक है मुझे सेल्फ के बारे में जानना है। सेल्फ के बारे में कुछ बताइए। चंचल माइंड होंगे प्रोफेशनल होंगे इंटेलिजेंट होंगे बोल सकते हैं। सामने वाले के चेंजेस होते रहते हैं बिल्कुल। ट्रैवल इमोशनल भी होंगे मेहनती बहुत होंगे इंटेलिजेंट होंगे। सर आप ही बोल रहे थे कि भी जो होता है वो जवाब भी दिया कीजिए तो अब आप तो जवाब दे नहीं रहे। नहीं मैं तो सुन रहा हूँ अभी जवाब दे। हाँ या ना कुछ तो बोलो ना। सब लोग बोल रहे हैं आपको वो बहुत जल्दी करके बोलो। एक एक करके सब लोग एक एक करके चीज पर आओ। इंटेलिजेंट मान सकते हैं मेहनती भी होंगे। मेहनती भी कह सकते हैं फ्लिकरिंग माइंड आलसी भी कह सकते हैं। ट्रैवल करना नहीं ले पाते होंगे। ट्रैवल पसंद नहीं है ठीक है। डिसीजन नहीं ले पाते होंगे फ्लिकरिंग माइंड। बिजनेस करते होंगे डिसीजन नहीं ले पाते हूँ। नहीं डिसीजन तो इंस्टेंट है मैम। ठीक है तुरंत। मदर स्पिरिचुअल हो सकती है। क्या हो सकती है? मदर स्पिरिचुअल हो सकती है। हाँ हाँ अभी लेकिन सेल्फ के बारे में कुछ बताना है आपने। व्यक्ति बुद्धिमान होगा। हाँ होगा बिल्कुल होगा। क्या व्यक्ति मेहनती होगा? होगा। व्यक्ति के ट्रेवल बहुत होते रहते होंगे। इन्होंने बोला नहीं लेकिन इनको चेंज काफी पसंद होंगे या प्रमोशन इनके या प्रमोशन होते रहना या रेजिडेंस चेंज होना। हाँ रेजिडेंस चेंज हुए हैं। रेजिडेंस आपने कैसे बोला? घर भी तो लेते हैं ना मैम उससे। एक मिनट चेंज क्या होगा मैम? मून 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 चेंज होगा क्या? हमारी रेजिडेंस चेंज होंगे ट्रेवल होगा या चेंज होना है ना। कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही है। आप चेंज हो सकते हैं। चेंज होना रेजिडेंस चेंज होना मूड है ना। चेंजेस करवाएगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। ठीक है मैं फ्लिकरिंग माइंड भी है पर बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक चीज और बोलूंगी जुपिटर मून सैटर्न। सर आपने कभी काम धंधा बदलने का विचार मन में आते हैं आपके कि मैं काम को बदल लूं? कभी कभी यही सोचे तो ज्योतिष सीख रहे ना तो तभी तो ज्योतिष में मून सैटर्न। ऐसा व्यक्ति काम धंधे बहुत बदलता है या मन में चलता रहता है कि मैं काम को बदलूं या काम को लेकर चेंजेस बहुत रहते हैं काम में लेकर। वो दरअसल वहाँ ना डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है मैम। मन तो काम करेगा ना मैम करेगा ना मैम। हाँ। कुछ भी कहे काम को लेकर कुछ ना कुछ तो चेंजेस दिख रहा है ना हमें। उन्होंने बोला डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं। बात बन गई हम लोगों की। आज पुलिस डिपार्टमेंट है तो कल मेडिकल आएगा। ऐसे डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं तो वो
मतलब कहने का सर चार्ट काम कर रहा है बिल्कुल जी जी, कोई बीटीआर की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरा ही चार्ट है। ये होता क्या कि जो यार ट्रेवल बोल रहे ना मैम, हाँ जी, वो ट्रेवल पर्सन नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट ट्रेवल करके उसके पास आते हैं। सैटर्न मून आ गया ना, जो मर्जी करे सर, जो मर्जी कारक तत्व तो आएंगे, बात है मून के कारक तत्व तो है ना कहीं ना कहीं, बिल्कुल पूनम मैम, मतलब वो उस सेंस में इधर नहीं है, ट्रेवलिंग में नहीं है मैम सर। ये देखो ये ट्रेवल भी है, यही चेंज भी है, जी जी मैम चेंज हो रहा है। अच्छा स्पीकर भी है मैम, बुध है साथ, बोल सकते हैं ठीक है। अभी इसी में ही सर आपकी बेटी है क्या? हाँ है ना। चलो इनकी बड़ी बेटी के बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर दीजिए। लकी भी हो सकती है मैम, मून है वो, मून मर्करी, ट्राइन में मंत्री भी आ रहा है, यही है ना बस। हाँ जी बेटी इंटेलिजेंट होगी, इंटेलिजेंट, जुपिटर मर्करी नहीं आया, आलसी होगी थोड़ी सी, मेहनती भी होगी, मून के साथ है, आलसी भी हो सकती है, बिल्कुल समझदार भी होगी, आइडियल बेटी होगी, बेटी आइडियल होगी, इसके जैसी बेटी होनी चाहिए मैम। लकी भी होगी क्या? जुपिटर लक भी बताता, जुपिटर बिल्कुल लकी भी होगी, नहीं लकी है, लक का कारक है, जुपिटर आइडियल भी है, आइडियल बेटी ठीक है, डिवाइन ग्रेस लेकर आई है इनकी लाइफ में इनकी बेटी। इनकी लाइफ में कुछ चेंज भी हुआ होगा इनके आने से, इनकी लाइफ में, हाँ ये बोल सकते हो, क्योंकि बेटी आई इनकी लाइफ में, जुपिटर है ना, कुछ चेंज आना, एक डिवाइन ग्रेस लेकर आई है बेटी इनकी जिंदगी में। वो जो मैम वो रुका हुआ प्रमोशन था ना, वो बैकडेट से मिलके वो दो प्रमोशन एक साथ हो गए थे, ठीक है सर, डिवाइन ग्रेस एक आ गई, ठीक है। बेटी आपके इंटेलिजेंट भी होगी सर, कहीं ना कहीं उसे कुदरती सपोर्ट मिलेगा, ये चीज मानकर चलिए, कहीं ना कहीं कोई चीज उसे चाहिए होती होगी ना, तो कहीं ना कहीं से उसको मिल जाती, लोग उससे उधार लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसका अब सैटर्न है, थोड़ी लेजी है क्या या मैच्योर बातें करती है? बिल्कुल बिल्कुल करती है। बेटी के बारे में भी हमारी आ गया, हम मैम यहाँ पड़ोसी के विषय में थोड़ा बात कर ले। बड़ी बेटी मरकरी है मैम, हम पड़ोसी पानी बहुत वेस्ट करते होंगे। वेरी गुड, पड़ोसियों के घरों में सीलन होगी, सीलन सैटर्न मून भरी सीलन बहुत देगा, सैटर्न मून पड़ोसी उपदेश भी बहुत देते होंगे पड़ोसी, बिल्कुल दे सकता पड़ोसी, बात पे पड़ोसी लेते हैं, देते हैं पड़ोसी मैम, रिलेटिव भी बोल दो, रिलेटिव भी बोल दो, यही रिलेटिव है यही पड़ोसी है, कौन मैम मर्करी रिलेटिव और पड़ोसी, जी मैम बताइए महावीर जी सही है ना, वो सब नॉर्मल, ज्यादा वैसा कुछ नहीं है। अब महावीर सर आप अपने पड़ोसी के बारे में बताइए, क्या आपका पड़ोसी है रिलेटिव फ्लिकरिंग माइंड है, आपके पड़ोस में कौन सा व्यक्ति है या आपके रिलेटिव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो काम धंधे बहुत बदलता है? काम धंधे बदलने वाले तो नहीं मैम, लेकिन एक जो पड़ोसी सामने वाला था वो माइंड से थोड़ा वो है, प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा पड़ोसी या रिलेटिव जिसके ट्रांसफर बहुत होते रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं उसकी लाइफ में, ट्रैवल कौन सा पड़ोसी या फिर रिलेटिव करता है आपका? साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है बोल रहे ना पड़ोसी, मून है। हाँ जी सर, हाँ जी मेंटल प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हाँ जी एक पड़ोसी मैंने बताया था वो उसमें है, मर्चेंट नेवी में, तो बिल्कुल आ गया ना सर, ये सब चीज के बारे में बताता है, आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, मेन बात है आपको किसके बारे में पूछना। चलो मैं थोड़ा सा इनके दादाजी के बारे में जान लेते हैं, जी मैम इनके दादाजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अब हम, दादाजी कौन है सबसे पहली बात तो मुझे ये पूछनी है आप लोगों से। राहुल नाना जी केतु को कहेंगे ना, नाना जी अभी लेंगे नाना जी को, पहले दादाजी के बारे में कुछ बताइए, क्या दादाजी के पास लैंड होगा? लैंड होगा, हाँ जी लैंड,
जमींदार टाइप से होंगे बिल्कुल। क्या दादाजी गुस्से वाले होंगे? एनर्जेटिक होंगे बहुत बिल्कुल। अब मैं एक चीज और मिला रही हूँ आपसे, सन और वीनस केतु नहीं लूंगी। क्या दादाजी कोई गवर्नमेंट से लिंक थे? नहीं मैम, नहीं कुछ नहीं। उनका नाम था तो दरअसल वो जब हम पैदा होते तभी गुजर गए थे, तो ज्यादा वो नहीं है। कुछ नहीं, घर वाले तो बताते होंगे। गुस्से वाला तो बताया था, गुस्से दिख रहा है आपको। पैसा भी अच्छा होगा, पैसा भी होगा दादा के पास। पैसा था आपके दादा के पास? मैम ईगो होगा, स्टेटस होगा मैम। जो पुलिस में हो सकते थे। सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, दो मिनट के लिए दादाजी के बारे में छोड़ो, उनके बेटे के बारे में बात करो। एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट और थोड़ा मनी माइंडेड। मैम इसमें हम राहु नहीं लेंगे, केतु लेंगे। सूर्य वीनस केतु केतु है मैम, उसको सही बोल रही हूँ मैम, केतु लेंगे मैम, बिल्कुल ठीक है। सर्जरी आ गई ना उनकी बेटे की, केतु आ गया, मंगल केतु आ गया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे पूनम मैम आप, पिता से थोड़ा कटे हुए रहेगा। ठीक है बिल्कुल। सर आपके साथ में कैसा है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है या ठीक ठीक है? बात करते हैं ऐसा कुछ नहीं ज्यादा, ठीक ठीक है, ठीक ठीक। मैम ये लास्ट चाइल्ड होंगे, मतलब कि इन जी के बाद बच्चा नहीं होगा। नहीं इसके बाद मैम नहीं, अभी आप ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि अभी डिग्री नहीं है। अभी डिग्री नहीं है, एंड जब केतु एंड है, लेकिन अभी सिर्फ प्रेडिक्शन है, अभी एंड की बात नहीं आएगी हमारी। आएगी अगर, क्या हिसाब है क्या पता हमें, मैम क्या पता एंड में ही चला गया हो। इनके कहीं कट का निशान होगा, बेटा सुंदर होगा, बेटे के कहीं, बिल्कुल बेटे के कहीं कट का निशान। सर नहीं, कट का तो कोई निशान नहीं, उसके कोई कट का निशान नहीं है। गुस्सा बहुत छोटा छोटा है ना, बाद में हो जाएगा। गुस्सा बहुत होगा, तोड़ फोड़ वाला शायद गुस्सा होगा। ठीक है हाँ, जब गुस्सा है तो हो ही जाएगा। और मैम सुंदर भी होंगे देखने में, वो तो है ही है, सुंदर तो है ही है। लव मैरिज भी हो सकती है, बिल्कुल भी अच्छा होगा। वो कैसे मैम, भूत तो आया नहीं मैम, भूत तो आया नहीं। मंगल है, मंगल और वीनस है, तो ये भी दे देता। ठीक है, पैसा जमीन दोनों होगा ना, बिल्कुल प्रॉपर्टी बनेगी। क्या लैंड से पैसा आएगा इस बच्चे के पास? हाँ जी आएगा, लैंड से पैसा बनेगा बच्चे के पास। सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी लिंक हो सकता है। अगर बच्चा अगर बच्चा पैसे के पीछे भागेगा, क्या बच्चे के पास पैसा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैम केतु और वीनस होने के कारण, वीनस केतु होने के कारण, केतु पैसा आने को मना नहीं करता। इसकी वाइफ भी सिंपल आएगी, चाहते हो ना तो मना करते। अच्छा मैम, अगर स्पिरिचुअल हो जाए तो पैसा आएगा, अगर केतु वीनस का कॉम्बिनेशन किसी में है हर रोज स्पिरिचुअल हो जाए। सर महावीर सर की बुके घर के अंदर पड़ी हुई है जी, अगर ये बच्चा कहता है सर पैसा आएगा, कोई कनेक्शन अच्छा कनेक्शन बन सकता है? मैं बोलूं बेटा रोज एक घंटा योगा कर, पैसा भी आएगा, चीज भी हो। केतु वीनस है तो मैम, सर बस केतु को ही तो ठिकाने लगाना है इसमें, गवर्नमेंट जॉब तो है ना कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, केतु सन है इसलिए मंगल ना रहे वो कह रहे हैं। अच्छा लो मंगल नहीं है, वीनस केतु आ गया। हाँ आप बताइए क्या उपाय करेंगे, पैसा बढ़ाने का। क्या कर रहे हो आप? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो? लेकिन दिमाग में ये चल रहा है पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, नहीं आएगा। मेरा है कॉम्बिनेशन इसलिए पूछा। तो पैसे के पीछे अगर वीनस केतु वाला व्यक्ति आपको अच्छा खासा पैसे वाला दिख रहा है, इसका मतलब वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। अब उसकी इंटेंशन नहीं है पैसा, उसका इंटेंशन है सिर्फ ज्ञान बांटो। वो योगा भी कर रहा होगा, योगा आचार्य हो सकता है कुछ भी। बिल्कुल मैम, योगा और ये हम लोग जो कर रहे हैं ये भी आपका यही है। बोल दूं रोज सुबह गणपति जी का मंत्र जाप कर लिया करो। हाँ बिल्कुल, पैसा आएगा, पैसा आ जाएगा। मैम एक आपने बोला था सूर्य केतु ध्वजा कीर्ति योग, कुछ ऐसा कुछ कहीं बताया था? बिल्कुल बोला था सर, ध्वजा कीर्ति योग बनाता है ये, ठीक है पॉलिटिक्स वालों के लिए। ठीक है अभी भी कॉम्बिनेशन जिसको जोड़ने नहीं आ रहे वो बोलो, कल हम थोड़ा सा फिर अपना आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है मैम? ठीक है मैम, थोड़ा नए लोगों से पूछो। बैक से जो आ रहा है मॉडिफिकेशन पे जो आ रहा है उसको कैसे जोड़ेंगे? सर मैं कल जोड़ दूंगी, फिलहाल तो इतने से पे अगर हम जोड़ लिए ना दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेन। सर अभी सेवंथ को जोड़ दिया ना, जोड़ दिया ना सेवंथ को, इसी तरीके से और भी जोड़ दूंगी। लो जब ये सन भी है कि ये सब चीजें जोड़ी है ना सर, इसके अंदर मरकरी भी जोड़ दो सर। सेकंड आ गया, ठीक है सर, इसके अंदर मरकरी भी जोड़ दो। सिंपल सी लड़की पसंद आएगी, वही अगर गर्लफ्रेंड बनती है और अगर उससे ही शादी हो जाती है तो चलेगा। ज्यादा एम्बिशियस वाली लड़की इस लड़के के लिए नहीं बनी है, ठीक है? नहीं नहीं, इनकी वाइफ के बारे में बात हो रही है, वो तो वाइफ काफी सिंपल सी है सर या कैसी है? मेरी वाइफ बस ठीक है, सिंपल ठीक, मतलब सिंपलिसिटी है अंदर। हाँ, परिवार का वो करने वाली है जी मैम, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हमारी वजह। अभी और कोई चार्ट देना है सर? और किसी ने चार्ट देना है तो बोलो जल्दी दो, एक नोट कर लीजिए मैम जी, बस डाउट क्लियर कर लीजिए इस वजह से, बस थोड़ा सा। बोलिए सर। सेकंड हाउस में जुपिटर जी, थर्ड में केतु जी, फिफ्थ में मून मार्स जी, मरकरी नेक्स्ट राहु नाइन्थ में और शनि इलेवेंथ में। इसके बारे में पूछना है सर, सेल्फ के बारे में? और सेल्फ से शुरू कर दीजिए, सेल्फ से शुरू कीजिए। पिता सन वीनस मरकुरी, मरकुरी हाँ जी। पूरा मैम एक स्टेप बोलिए कुछ भी। मैम पैसा होगा उनके पास और इंटेलिजेंस? सर हाँ, एक मिनट सर, मैं सबको एक एक करके मैं बोलूंगी। सर पूनम मैम ने जो बोला आपको सही है या गलत है? क्या चीज मैम, क्या बोला क्या? तो मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। तब पैसा अच्छा होगा और काफी इंटेलिजेंट होंगे, अभी छोटे हैं इसलिए ठीक है, इंटेलिजेंट तो होंगे। हाँ है, सुंदर होंगे, चैट प्रॉमिस तो है, टीचर्स ठीक है, ठीक है। आशिमा मैम प्रेडिक्शन करिए। मैम कमीशनिंग के काम से पैसा आ सकता है या गवर्नमेंट से लिंक होंगे तो पैसा आएगा? बिल्कुल ठीक है मैम आपकी बात, हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, इन्होंने बोला थोड़ा सा बच्चा छोटा है, उस हिसाब से देशकाल परिस्थिति के हिसाब से प्रेडिक्शन दीजिए। इंटेलिजेंट होगा मैम, बिल्कुल ठीक है, आगे सर जवाब देते रहिए इनकी बात का जी मैम। सुंदर होगा देखने में, ठीक है। दिनेश सर ने कैमरा बंद किया, अब दिनेश सर बोलेंगे। मीठी वाणी बोलता हूँ, जुपिटर केतु आ रहा है, दूसरे पे केतु है, शामिल कर दिया, 90% तक रिजल्ट आना है। सही बोल रहे हैं आप, आगे बोलिए। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, कम बोलता है शांत, बिल्कुल ठीक है, नाम भी होगा वही कॉम्बिनेशन आ गया जो मेरे चार्ट में था। सर चीजें घूम फिर कर वही आती हैं, आप जो मर्जी कर लेना। आप बच्चे का चार्ट उठा लो, आप अपना चार्ट उठा लो। रोहित सर जल्दी बोलो इसके बारे में कुछ। आराम पसंद कर, हाँ तो दो जने मिक्स हो रहे ना। राजीव सर मैं रोहित सर के बाद आपको बोलती हूँ, रोहित सर पहले आप बोलिए। हम उसका फेस पे तेज होगा, ग्लो टाइप का होगा, बिल्कुल ठीक है, ये बताएंगे बाकी। ठीक है राजेश सर आप बोलिए। आराम पसंद होगा ज्यादा उसको, थोड़ा सा वो फैशनेबल टाइप का होगा बोल सकते हैं। बोलिए सर केतु, अभी शुरुआती है तो ठीक है, छोटा है ना, कितने साल का है थोड़ा सा बताइए, कितने साल का है? अभी 17 जी, ट्रेडिशनल थॉट्स होंगे, खूबसूरत भी होगा, अपने रूट से जुड़ा होगा, अपने बच्चे को संस्कार देना मत भूलना सर। अच्छा
अगर बच्चे को संस्कार दिए ये बच्चा तार देगा, याद रखना मेरी जो मैंने लैंग्वेज बोली है, ये बच्चा तार देगा अगर आपने इसको संस्कार दे दिए। अच्छा जी जी ठीक है सर। और ये बहुत बड़ी बात बोली अभी मैंने आप। मैम ये किसी का रिबर्थ हो सकता है? रिबर्थ है फैमिली में ये जुपिटर सन। आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति वापस आया है। और अभी प्रिडिक्शन, अभी प्रिडिक्शन, आशिमा मैम दो मिनट रुकिए प्लीज, दिनेश सर प्रिडिक्शन कीजिए। सर कैमरा बंद करके भागे थे ना, मैं इसीलिए इनको ही पकड़ रही थी। ये भागे थे? नहीं बैठी गए होंगे वो, तो मैं वैसे बोल रही सर प्रिडिक्शन कीजिए। सेल्फ के बारे में कुछ बताना है? ये गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट बन सकता है सर। अच्छा मैम वो इसका पिछले जन्म में कुछ लॉस हुआ होगा क्या? जिम्मी सर की तरह बहुत आगे भाग रहे हैं सर। हाँ पिछले जन्म में ना किसी भी अनजाने कारणों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी। कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से मृत्यु हो गई होगी। क्यों बैक में ये अभी डिग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास सर ये आ गया, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। कुछ अधूरी ख्वाहिशें लेकर ये व्यक्ति मरा है जुपिटर की वजह से मैम, जो क्योंकि रीबर्थ है फैमिली में। कुछ अधूरी ख्वाहिशें किस चीज को लेकर रही होंगी, या तो किस चीज को लेकर थोड़ी अधूरी ख्वाहिशें रही होंगी, जो प्लेनेट इससे जुड़ा होगा वही जुड़ गया है। केतु देखो एंड है अब सर, जुपिटर सन केतु भी है, रीबर्थ का कोई ना कोई निशान इस बच्चे के शरीर पर होगा। अच्छा वो तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये वीनस वाली प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे लगता है कि रिवर्थ, क्योंकि एक दिन मैं वैसे ही चेक कर रहा था तो मुझे लगा ये रिवर्थ है। जुपिटर सन अपने घर के अंदर रिबर्थ हुआ है। हाँ वही ठीक है, लेकिन ये पीढ़ियां ज्यादा हो गई है सर। वो कुछ नहीं, वो देखो आप छोड़ो उस चीज को, बड़ो उस चीज में आगे ठीक। एक कॉम्बिनेशन और देखना है मैम, बताओ। हाँ जी सर बोलिए। सूर्य गुरु शनि केतु का। मैम यहाँ पर एक बात पूछनी थी, वो जो आपने बोला अनचाहे कारणों के कारण वो डेथ हुई है, तो वो केतु से वो लिंक नहीं समझ आया मैम? नहीं वो आप केतु में लिख लेना, अनजाने कारणों की वजह से पिछले जन्म में, और जल्दी तो देता है। जल्दी हो गई होगी मैम। मैम जुपिटर केतु से मिल रहा था इसलिए अगले जन्म में अभी वही रीबर्थ होकर आया है। केतु जुपिटर के पास जा रहा था ना मैम? देखो रीबर्थ हुआ है फैमिली में जुपिटर सन, इस चीज को समझना। केतु मिल गया है मैम साथ में, कहीं ना कहीं क्या करेगा मैम, किसी भी चीज को काटने का काम करेगा ना, कम करने का काम करेगा, ये बढ़ावा देता है मैम। मैम ये जो एक मिनट रुक जाओ सर, इसने कम किया है चीज को, इसीलिए मैंने बोला कम में, और किसकी चीज कुछ ना कुछ कमी थी। ये हो गया मैम एंड भी आपको पता है, ये कट करता है किसी भी चीज को, कैंची के तरीके से काम करता है। इस चीज की कमी रही होगी या इस चीज की कमी, या इसमें कोई घाटा लग गया होगा जिस चीज की वजह से चीज हुई होगी। ये इसमें मैम तो दोनों नहीं है ना, वीनस है नंबर थ्री है, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में नीचे वाले कॉम्बिनेशन में केतु की जगह राहु होता, फिर क्या होता सर? अब उसको आप वो नहीं कह सकते हैं कि भाई वैसे मर गया होगा या वैसे नहीं, उसमें आप वो चीज नहीं ले सकते, आप वो केतु में ही उठा सकते हो। इसमें सर पता है क्या बोल सकती हूँ सर? ये बात है लेकिन ठीक है, किसको प्रोफेशन अब मैम क्या करता है, कौन है शनि? प्रोफेशन नहीं, इतना रगड़वा देता है ना, इतना रगड़वा संघर्ष प्रॉब्लम, संघर्ष इतना रगड़वा देता है ना व्यक्ति को, कई बार तो व्यक्ति के मन में ही बात आ जाती है चल मैं निकलता ही हूँ, डिटेच हो गया ये लाइफ से। सर्वेंट की वजह से उसकी डेथ हुई हो सर बोल सकते हो, लेकिन इसके संघर्ष काफी बढ़ गए होंगे आप इसको ले। आनंद सर बताइए क्या हुआ था। अच्छा मैम एक बात है इसमें इंस्टेंट है, जैसे ये तो है मेरा ही कॉम्बिनेशन, लेकिन जब मेरे बर्थ से मेरे बर्थ से जब हुआ, मैं 3 महीने का था माँ के गर्भ में, तो मेरे नाना जी का डेथ हुआ,
ठीक है ये तो आई गया तो सब कहते थे कि वो हमेशा इंतजार में थे कि इसको बेटा हो, दो बेटी हो चुकी थी, इस दुनिया का रिबर्थ है कहता है मेरे नाना जी का। और वो बहुत संघर्ष से मरे थे अपने बेटे लोग के टेंशन से, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व। सर अब हमें हम ये नहीं कह सकते वो कौन आया है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक आइडिया लगा सकते है रिबर्थ है कुछ वैसे है, ये संघर्ष है। केतु नाना है क्या? केतु नाना ही है। अब तो फिर नाना आ गए ना, वो सर नहीं कह सकती। ठीक है नहीं अब कंफर्मेशन नहीं दे लेकिन नहीं मुझे नहीं आता सर इतनी बात कहना। अच्छा मैम ये दो छह दस है तो इसका करियर से रिलेटेड क्या कहेंगे हम लोग इसको? नहीं सर ऐसा नहीं है, कई बार तो क्या होगा दो छह दस वैसे बना होगा, हो सकता है उसके अंदर 3-7-11 लिखा हुआ। मैम इस पर कॉम्बिनेशन सन सैटर्न भी तो बन रहा है, आप ये भी तो देखो ना। मैं देखू ना सन सैटर्न जुपिटर सन केतु जुपिटर केतु ये एक मिनट सन सैटर्न सर सोल सोल को सफरिंग तो मिलेगी सोल ऑटोमेटिकली है पूनम में। अगर जिसका ये कॉम्बिनेशन है, अगर मैं सेल्फ के बारे में इसके बारे में कुछ बात करती हूँ तो मैम क्या है प्रोफेशन यदि इससे रिलेटेड होता है तो इसका नाम भी होगा जी। सही बोल रहे हो ना मैम, इससे रिलेटेड प्रोफेशन शनि प्रोफेशन केतु एस्ट्रोलॉजी इससे संबंधित प्रोफेशन सामने वाले का नाम करेगा। और जी अब जुपिटर सैटर्न जब भी कभी दिक्कत आती होगी कोई ना कोई चीज संभाल जाती होगी। डिवाइन ग्रेस बिल्कुल डिवाइन ग्रेस है 5-9 का कॉम्बिनेशन काल पुरुष की कुंडली कुछ ना कुछ एक पीछे का कर्म है एक अभी के वो है ये सपोर्ट है इनके पास डिवाइन ग्रेस है इनके पास कहीं ना कहीं इनको दिक्कत में अच्छा भी हो जाता होगा पूरे पूरी तरह फील होता है। ठीक है सर ये काम आपने बहुत बढ़िया पकड़ा हुआ ये सेल्फ होगा नाम होगा 100% होगा ये कॉम्बिनेशन है लेकर आए हुए। ठीक है मैम इसमें 5-9 हम लोग लिए शनि का 11 भी तो ले सकते हैं। सर मैं शनि का 11 नहीं ले रही हूँ मैं 5-9 ले रही हूँ। सिर्फ किस वजह से 5-9 लिया मैंने इस चीज को समझ के चलिए काल पुरुष ठीक है वो आप ले लीजिए। ठीक है और एक तरीके से बढ़िया ही होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 5-9-11 बढ़िया कॉम्बिनेशन किसी के हाउस नहीं देख रहे सिर्फ ये प्लैनेट कहाँ पर आता है पांचवे घर में आता है काल पुरुष के हिसाब से। अच्छा अच्छा ये प्लैनेट 9वें घर में आता है काल पुरुष के हिसाब से ये 10वें और 11वें में आता है बस सिर्फ इतना सा देख रहे और कुछ नहीं देख रहे दिनेश सर। अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन 5-9 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए ये 9-10 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बढ़िया कॉम्बिनेशन है यहाँ पर या 9-11 बोल लो काम धंधे की कभी कमी नहीं रहेगी व्यक्ति को। केतु को यहाँ पर कौन खराब प्लैनेट कौन आ रहा है केतु केतु तो इन्होंने यूज ही किया हुआ है तो दिक्कत किस बात की है। मैम अगर 3711 का देखना है मैं अपने केपी में देखूं कि लग्न में देखूं? सर इसमें नहीं देखना ये बस वैसे समझने के लिए थोड़ा सा हम कर रहे थे। अगर 3711 को देखना है तो 3711 क्या है सर आपका मर्करी और 7 आपका वीनस और 11 आपका सैटर्न ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है। ये पैसों का योग है ना तो व्यक्ति जो पढ़ाई करेगा उसी में काम धंधा करेगा और उससे पैसा आएगा। और सर इसमें अगर ये मिल जाए बहुत अच्छा ये थोड़ा सा बस हाँ आप समझ सकते हो उसको ये चीज है। ठीक है सर आप ही बता दो जिसको कॉम्बिनेशन महावीर सर अब कॉम्बिनेशन बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो बोलिए। अब मैम थोड़ा वीडियो रिपीट करके देखना पड़ेगा तो नहीं फिर भी प्रेडिक्शन आज आप ही लोगों ने नहीं मैम बहुत अच्छे से समझ में आ गए सब चीज। ठीक है आनंद सर मिश्रा सर राजीव सर आपको कोई दिक्कत सर? नहीं मैम ठीक है। ठीक है रोहित सर ठीक है पूनम मैम सही है ना अभी तो जी जी मैम आशिमा मैम ठीक है हाँ जी ठीक है कल फिर हम लोग जैसे अपना चल रहे थे उसी तरीके पे थोड़ा सा आऊंगी फिर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई केस होगा तो दे देना उसको लेने के बाद आगे निकलेंगे। आशिमा मैम अपना बोलिए क्या बोल रहे हैं मैम केपी की क्लास भी रात के टाइम पे शुरू कर लू मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दो।